तुम सिर्फ अपने आप से कभी मत हारना, फिर दूसरा भी तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। दोस्तों, पड़ाव, मंजिल, सीढ़ियां चाहे कैसी भी हो, रास्ता चाहे कैसा भी हो, इंसान सबसे पहले अपने आप से हारता है, तभी वह हारता है। मंजिल और सीढ़ियां चाहे जैसी भी हो, आपको कभी भी नहीं हारना चाहिए। और अगर आप नहीं हारेंगे तो जीत सिर्फ आपकी होगी, सिर्फ आपकी। इंसान सिर्फ अपने मन से हारता है, सिर्फ अपने मन से। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि के लिए बेहद खास है, अति विशेष है। कर्म फलदाता व न्याय के देवता शनिदेव 30 साल बाद, जी हां, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 अप्रैल 2022 में। इससे पहले 1993 में कुंभ राशि में आए थे, अब 29 अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, आपको डरना नहीं है, समझना है। जैसे कि आपको पता होगा, यह शनि के महापरिवर्तन से आपकी शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि कर्म फलदाता शनिदेव आपको क्या फल देने वाले हैं आपके जन्म की राशि के अनुसार, आपके चंद्र राशि के अनुसार यह कार्यक्रम है। दोस्तों, शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में कर्म फलदाता न्याय का देवता माना गया है, जो कि परमात्मा द्वारा नियुक्त है, जो कि आपके कर्मों का क्रेडिट और डेबिट का लेखा जोखा रखते हैं कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं। अच्छा कर्म कर रहे हैं तो क्रेडिट, और बुरा कर्म कर रहे हैं तो डेबिट। तो सारा लेखा जोखा है शनिदेव के पास हमारे कर्मों का, तो फिर डरना किस बात का, और शनिदेव का इल्जाम क्यों लगाना कि सब कुछ शनिदेव अशुभ कर रहे हैं। वो अशुभ नहीं करते, वो रंग से राजा भी बना देते हैं तो राजा से रंग भी बना देते हैं। डिपेंड ऑन योर कर्मास कि कैसे हैं। अब चलिए जानते हैं राशि के अनुसार क्या फल आपको मिलेगा। शनिदेव आपकी राशि से 12वें घर में 12th हाउस में ट्रांजिट यानी कि गोचर करेंगे, और 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का, खर्चों का, यानी कि व्यय 12वां घर। जब 12वें घर में शनिदेव आ जाएंगे तो तीसरे घर पर दृष्टि होगी, छठे घर पर दृष्टि होगी, और आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी। सबसे पहले जब 12वें स्थान में शनिदेव आ जाएंगे विदेश के कारक विदेश वाले स्थान में, तो जो व्यक्ति विदेश की प्लानिंग कर रहे थे तो ये आपको शनिदेव काफी हेल्प करेंगे विदेश जाने के लिए। फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन सेटलमेंट के योग ये आपके बनाएंगे अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो। इसके साथ में ये शनि का गोचर आपके लॉन्ग ट्रेवल लंबी यात्रा आपकी देखी जा सकती है, यानी कि दूर यात्रा आपकी जरूर देखी जाएगी। इसके साथ शनिदेव जब 12वें घर में आएंगे तो हॉस्पिटल से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई आपका कार्य है, तो वो आपके लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। जब शनिदेव 12वें स्थान में होंगे तो खर्चे भी होंगे, लेकिन बेवजह के नहीं। एक होते हैं खर्चे जो बिना वजह के होते हैं, लॉस हो जाता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन एक होता है कि खर्चे हो रहे हैं तो वो हमारी जरूरतमंद या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो शनिदेव जब 12वें घर में आएंगे तो खर्चे होंगे लेकिन सही जगह, जैसे कि आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अपने घर की चीजें जोड़ते हैं, ये अच्छा देखा जाएगा आपके लिए, ये पॉजिटिव है। लेकिन शनि की 7.5 जब शुरू हो जाएगी तो आपको एंजाइटी भी रहेगी, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, अपने रिलेशन को लेकर सीरियस हो जाना, छोटी छोटी चीजों में किसी भी चीजों को लेकर बहुत जल्दी से सीरियस हो जाना और एंजाइटी लेना, ये देखा जा सकता है। और हाँ, ये शनि की 7.5 जब शुरू होती है ना तो स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य आपका ज्यादा खराब होगा, शनिदेव यहाँ पे अपने घर के नहीं होते तो प्रॉब्लम ज्यादा होती, लेकिन शनिदेव यहाँ पर अपने घर के हैं तो स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खाने पीने पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे घर पर भी है, जब दूसरे घर पर शनिदेव की दृष्टि होती है तो इंसान बोल्ड हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी बात को बिना सोचे समझे बोल देना, जिसकी वजह से शत्रु भी आपके बन सकते हैं। ये मैं आपको विशेष ध्यान रखने के लिए बोलूंगा, मेरे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक है कि आपको थोड़ा सा अवेयर करना, क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है वो आपको बताना। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बना के चलना है, अपने फैमिली के साथ भी, करियर में भी, रिलेशन में भी। छठे घर पर शनिदेव की दृष्टि है,
शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं बिना वजह। वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स करियर में, वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स काम आप कर रहे हैं लेकिन उसका क्रेडिट खुद लेना, वो ऐसा हो सकता है। कहते हैं ना कि आपको प्रेशराइज करना, प्रेशर आपके ऊपर डालना, ये थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। और यहां पर आपको मेहनत और स्ट्रगल भी ज्यादा करना होगा, भाग दौड़ भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ में ऋण, लोन, कर्जे से आपको दूर रहना है। शेयर मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग से भी आपको दूर रहना होगा। किसी लव रिलेशन में है आप तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको सामने वाले को समझना है, एडजस्ट होकर चलना होगा। अब दोस्तों पॉजिटिव क्या रहेगा? पॉजिटिव यह है कि करियर में मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, परिवर्तन हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। और दोस्तों इसके साथ में शनि देव की दृष्टि आपके नवम भाव 9th हाउस में भी पड़ रही है। नवम भाव होता है धर्म का, पिता का, भाग्य का। आपके जो पिताजी हैं उनके स्वास्थ्य पर, या जो वो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको बोलिए थोड़ा रुक जाइए जुलाई तक, जुलाई के बाद कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। और इसके साथ में जब भाग्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा कि भाग्य आपका साथ तो देगा क्योंकि गुरु आपके फर्स्ट हाउस में है, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन थोड़े समय के बाद, क्योंकि शनि देव की दृष्टि भाग्य स्थान में, वो कहते हैं थोड़ा आपसे मेहनत करवाएगी, शनि की साढ़े साथी चल रही है तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। यहां पे शनि की साढ़े साथी चल तो रही है लेकिन गुरु भी आपके राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं आपके फर्स्ट हाउस में, तो वो उसका भी बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। तो वो कहते हैं कि सारे ग्रह मिलकर फल देते हैं, शनिदेव आपको अशुभ फल कहीं ना कहीं दे सकते हैं लेकिन गुरुदेव आपको बचाएंगे, यानी कि उन सब चीजों से बाहर निकालेंगे। एट द एंड जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा क्योंकि गुरु आपके फर्स्ट हाउस में है। लेकिन फिर भी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, थोड़ा ओवर थिंकिंग, चिंता, तनाव भी देखा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, नौकरी करियर को लेकर चेंज, बदलाव या एक अच्छा ग्रोथ आपको जरूर देखी जा सकती है। तो यह बताया दोस्तों मैंने मीन राशि के बारे में, कैसे रहेगा शनि देव का महापरिवर्तन, क्या उपाय करने चाहिए आपको ये शनि की साढ़े साथी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। शनि देव का बीज मंत्र आपको रोजाना करना चाहिए सूर्य अस्त हो जाने के बाद। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार रोजाना। अगर आप ये बीज मंत्र रोजाना करेंगे तो शनि के अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। और इसके साथ हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर दिया आप जरूर जलाइए, या पीपल का पेड़ आपको नहीं मिलता है तो अपने घर पे भी शनिदेव के नाम पे आप दिया जरूर जलाएं, ये काफी अच्छा रहेगा। और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको अवश्य करना चाहिए और उगते हुए सूरज को जल जरूर देना चाहिए। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।